देते भाई, वहां पे एंट्रेंस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप 6 to 8 बीएड को ले रहे हैं, आप टीजीटी की बात करते हैं, हम टीजी किट समझते हैं, कितने अनुपात में वैकेंसी आती है? 1100 कितने हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कितने हैं 1100 पे? 13 लाख बीएड, क्या अनुपात पड़ रहा है? अरे जब रेशियो ही नहीं है, कितने लोग वहां सेलेक्ट हो जाएंगे? फिर क्या प्राइवेट में पढ़ाएंगे? प्राइवेट में पढ़ाने के लिए है? और आपने जब इतनी सारी एग्जाम्स लगा रखे हैं क्वालिटी ऑफ क्वालिटी टीचर्स को हायर करने के लिए, तो फिर अब ये बात क्यों उठ रही है कि बीटीसी के पास योग्यता और बीटेक गेट के पास योग्यता नहीं? क्योंकि एलिजिबिलिटी वो है ही नहीं। एनसीटी को हमारी बात सुननी चाहिए और उसे रिव्यू में जाना चाहिए इस बात को लेकर कि नहीं, हम केवल एक बीएड या बीटीसी पर किसी को भी जॉब नहीं दे रहे। हमारी तरफ से उसको बात रखना चाहिए कि ये सीटेट और टेट में पढ़ते हैं और यही वो है जो इनको ट्रेनर दे रहे हैं, अन्यथा इनको दूसरा एस्पेक्ट अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अनट्रेंड है तो हम जिसे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कभी ट्रेंड नहीं हो सकता। सभी के लिए एक नया कोर्स डिजाइन करिए और जिसकी ट्रेनिंग ना कोई बीएड दे ना बीटीसी, उसके लिए एनसीईआरटी या एमएचआरडी से कुछ स्पेशलाइज लोग लाइए, 6 महीने का कोर्स कराइए, हम तैयार हैं। बीटीसी हमसे आगे कभी नहीं निकल सकता, ये हमारा वादा है, हमारा चैलेंज है। जहां चाहेंगे वहां हम आएंगे, जहां चाहेंगे वहां हम अपनी बात रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ लीगल बिंदु भी हैं जिनको मैं छुपाना चाहूंगा, अभी यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट में लड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां धरने में बोलेंगे। अभी समय का अभाव है। जय हिंद जय भारत। एक बेरोजगार की तरफ से सभी लोग एक बात प्रेम से बोलिए, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड।